Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from. हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश और मिशन अब्रॉड चैनल में आपका स्वागत है। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया और थैंक यू बोलना चाहूँगा उन सभी लोगों को जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है अभी तक, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैं टाइम टू टाइम वीडियोस बनाता रहता हूं। ये देखिए किस तरीके से मैंने वीडियो बनाई हैं, कनाडा के ऊपर, न्यूजीलैंड के ऊपर और ऑस्ट्रेलिया, यूके, ठीक है, स्वीडन, यूरोप वीज़ा, यूएस वीज़ा। तो मैं यहाँ पे इस चैनल पे आपको वीज़ा इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो उसी सिलसिले में आज मेरे एक व्यूअर का कमेंट था कि सर प्लीज़ टर्की वीज़ा के बारे में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हाउ टू गेट टर्की टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है। तो टर्की वीज़ा कैसे आप ले सकते हैं, टर्की का वीज़ा बहुत ही ईजी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में जाना है, जहाँ पर आपने vfsglobal.com/turkey/india ये टाइप करना है। तो ये VFS ग्लोबल एक कंसल्टेंसी है जो गवर्नमेंट के साथ डील करती है ताकि आपके वीज़ा प्रोसेसिंग में बहुत ही आसानी हो और कोई लेट ना हो, ताकि आपका वीज़ा प्रोसेस इजीली हो सके, ठीक है। तो ये आउटसोर्सिंग कंपनी है जो कि आपके वीज़ा प्रोसेस में आपकी हेल्प करती है, और दिस इज़ द ओनली वे। तो यहाँ पे आपने इस पे जाना है, इस लिंक पे जाने के बाद आपने यहाँ पे देखिए वीज़ा टाइप, यहाँ पे डिफरेंट वीज़ा टाइप्स हैं, ठीक है। हमने आज बात कर रहे हैं टूरिस्ट के बारे में, तो टूरिस्ट वीज़ा पे आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ओवरव्यू, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट देखिए ओवरव्यू में फॉर एप्लीकेंट अप्लाइंग इन मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, गोवा, बेंगलोर, चेन्नई, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट दी गई हैं, ठीक है। और अगर आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं, चंडीगढ़ से, जयपुर, जालंधर से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आपको बता दी जाएंगी। तो आप इस पे आप इजीली अपने, आप जिस भी कॉन्सुलेट से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके यहाँ पे इंफॉर्मेशन इजीली आपको मिल जाएगी। तो इसके बाद बात करते हैं वीज़ा फी की। वीज़ा फी में देखिए सिंगल एंट्री का है 4200 रुपीज़, मल्टीपल एंट्री का 13900 रुपीज़, सिंगल एंट्री का है, सिंगल ट्रांजिट का है 4200, डबल ट्रांजिट का है 8340, ठीक है। और यहाँ पे है कि ये नेपाल के लिए है, ठीक है। और ये पेमेंट आपने VFS सर्विसेज में देना है, ठीक है। वो लोग आपका CST, GST जो भी लगता है टैक्सेस लगा के आपका चार्जेस करेंगे, 9% चार्ज करते हैं यहाँ पे। तो आपका ये इजीली आपका यहाँ पे, यहाँ से आपका वीज़ा लग जाएगा। तो मेरा यहाँ पे मेन मोटो ये था कि आपको वीज़ा फ़ी के बारे में बताऊँ। ये एक मोटा मोटा फिगर है, इसके बाद आपको 9% यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। टर्की वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं टर्की वीज़ा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। पहला है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड विथ टू वाइट बैकग्राउंड हैविंग साइज, फिल्ड विथ टू वाइट बैकग्राउंड फोटो हैविंग साइज 2.5 इंच टू 2.5 इंच, पासपोर्ट मस्ट बी वैलिड फॉर 6 मंथ, ठीक है। 6 महीने का आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, लीव सेंसर लेटर आपका कवरिंग लेटर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद चौथा है, अगर आप बिजनेस पार्टनर हैं, प्रोपराइटर हैं, डायरेक्टर हैं, तो आपके बिजनेस से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सबमिट करने हैं। लास्ट 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। और एप्लीकेंट हु हैव एम्प्लॉयड शुड हैव सैलरी अकाउंट एंड द सैलरी स्लिप्स, ठीक है। टू राइट एनरी आपके टिकट्स, होटल रिजर्वेशन,
कंफर्म रिटर्न टिकट आपका होना चाहिए, टू पासपोर्ट, टू फोटो कॉपीज और पासपोर्ट फर्स्ट एंड लास्ट पेज, ओरिजिनल पासपोर्ट आपको सबमिट करना है। ओके, माइनर्स, अगर आप कोई लेस देन 18 ईयर्स ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपको NOC लेना पड़ेगा, ठीक है। कंसेंट फॉर्म आपको सबमिट करना है पेरेंट या गार्डियन के थ्रू, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने आपको अलाउ किया हुआ है। इसके बाद आप ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है, किसी भी ट्रैवल एजेंसी से आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं, ठीक है। मेडिकल, इवैक्यूएशन, रिपार्टेशन एक्सपेंसेस जिसमें इंक्लूड होंगे पर्सनल एक्सीडेंट डेथ, पर्सनल लाइबिलिटीज, डेली अलाउंस इन हॉस्पिटलाइजेशन केसेस, ठीक है, ये कवर होना चाहिए आपका। मिनिमम 30,000 यूरो को कवर करना चाहिए इसमें। और ओरिजिनल ECC इज मैंडेटरी डॉक्यूमेंट अटेस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। आप पासपोर्ट ऑफिस से अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा लें, ये हाथों हाथ एक दिन में बन जाता है, ठीक है। और इसके लिए आपको 500 रुपीज़ सबमिट करने पड़ते हैं। ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और ऑनलाइन पासपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट में आप जाकर अपने पासपोर्ट PCC के लिए अप्लाई करें, और फी भी आप वहीं पे कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से, तो एक दिन में आपको PCC मिल जाएगा, ठीक है। पासपोर्ट्स आर नॉट इशूड इन ज्यूरिडिकेशन ऑफ एप्लीकेंट अप्लाइंग फ्रॉम मुंबई, कैन सबमिट अ लोकल एड्रेस प्रूफ। अगर आप मुंबई से हैं, अहमदाबाद, पुणे, गोवा, मैंगलोर, चेन्नई, कोचिन, त्रिवेंद्रपुरम, पौंडीचेरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लोकल एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा पासपोर्ट के अलावा, जो कि आपका आधार कार्ड हो सकता है या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न आपने देनी है, ठीक है, और ट्रैवल एजेंट की आपने फोटो आईडी देनी है, उसके ऑथराइजेशन लेटर देना है, ठीक है। एप्लीकेंट इन केस एप्लीकेशन इज सबमिटेड बाय ट्रैवल एजेंट, अगर आप आपने ट्रैवल एजेंट को एक ऑथराइजेशन लेटर देना है कि वो अपने बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे ये फॉर्म सबमिट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो ये यहाँ पे आपके पूरे चेकलिस्ट हैं, ठीक है, आप यहाँ पे जाके इजीली देख सकते हैं और क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मेल करके भेजूँ एक कॉपी बना के, क्योंकि मेरे पास इसकी एक कॉपी भी पड़ी हुई है, तो मैं आपको ईमेल पे सेंड कर सकता हूँ। आप मुझे जस्ट अपना ईमेल एड्रेस सेंड कीजिए और कमेंट कीजिए तो मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद फ़ोटो स्पेसिफिकेशन, फ़ोटो क्या होनी चाहिए आपका, फ़ोटो शार्प फोकस और क्लीन होनी चाहिए, नो इंक मार्क, 2 पॉइंट साइज जो होना चाहिए 2.5 इंच बाई 2.5 इंच विद वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, ये होना चाहिए आपका, ठीक है। हेड आपने कैप नहीं पहननी है, हेड नहीं पहननी कोई, आपने सर पे कोई कपड़ा नहीं बांधना है, सिंपल आपका, ठीक है। और ये आपका फोटो का स्पेसिफिकेशन है। प्रोसेसिंग टाइम, ओके, यहाँ पे देखिए मुंबई के लिए 4 वर्किंग डेज, अहमदाबाद के लिए 6 वर्किंग डेज, मैं यहाँ पे बात करूँगा दिल्ली के लिए, दिल्ली में हम बात करेंगे तो ये 4 वर्किंग डेज के लिए है। मैं दिल्ली की बात हमेशा अपने वीडियो में इसलिए करता हूँ क्योंकि दिल्ली हमारा कैपिटल सिटी है, ठीक है, तो इसलिए मैं दिल्ली के बारे में ज़्यादा यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके वीज़ा की प्रोसेसिंग टाइम, ये है टर्की वीज़ा, ठीक है। इसके बाद डाउनलोड फॉर्म, आप यहाँ पे जाके अपना वीज़ा फॉर्म डाउनलोड कर लें, ठीक है। जैसे आपने वीज़ा फॉर्म डाउनलोड कर लिया तो आपके पास वीज़ा फॉर्म मिलेगा इस तरीके से, देखिए ये वीज़ा फॉर्म है टर्की टूरिस्ट वीज़ा का। तो टर्की टूरिस्ट वीज़ा का फॉर्म इस तरीके से है, ठीक है। और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, फैमिली नेम आपने अपना नेम देना है, मीडियन नेम, ठीक है, आपका कोई और नेम है, और फर्स्ट नेम आपने यहाँ पे पासपोर्ट से देख के भरना है आपने, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट से देख के भरनी है क्योंकि ये मैच होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ से, क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ वोटर आईडी में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, या फिर पासपोर्ट में कुछ और है, क्योंकि हम लोग ठीक से टेक केयर नहीं करते अपने आईडी कार्ड्स का, और क्योंकि प्रिंटिंग भी कुछ इस तरीके से होती है तो फिर थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, कहीं कहीं पे ये एक्सेप्शन देखा गया है। तो आप कोशिश करें कि अपने पासपोर्ट से ही फिल करें।
आईडी नंबर कोई ज़रूरी नहीं है, सेक्स आपने फिल करना है, प्लेस ऑफ बर्थ कंट्री, आपका मैरिटियल स्टेटस, सिंगल हैं, डाइवर्स हैं, करंट सिटीजनशिप इंडियन, रेजिडेंसी एट बर्थ इंडियन, फादर फुल नेम, मदर फुल नेम, ओके। टाइप ऑफ पासपोर्ट, ऑर्डिनरी पासपोर्ट होगा आपका तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट नंबर देना है, इशू ऑफ एंड एक्सपायरी डेट, प्लेस ऑफ इशू, ठीक है। इफ़ यू आर रेजिडेंट इन अ कंट्री अदर देन योर कंट्री ऑफ ओरिजिन, अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं या फिर किसी और कंट्री के आप सिटीजन हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, और कब तक आप वहाँ पे रहने वाले हैं या फिर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ओके। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, करेंटली आप क्या करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट वर्क एड्रेस आपने यहाँ पे देना है, ठीक है। एप्लीकेंट होम एड्रेस आपने देना है, आपका टेलीफोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है। ये प्रेजेंट वर्क का टेलीफोन नंबर है, और आप ईमेल एड्रेस आपके वर्क प्लेस का है, टेलीफोन नंबर आपके घर का है, और ईमेल एड्रेस आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस है। टाइप ऑफ वीज़ा, सिंगल एंट्री, आप चाहते तो मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ स्टे इज रिक्वेस्टेड फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी डेज, 1 week, 2 week, ठीक है। और हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ वीज़ा फॉर टर्की, यस और नो, नो। हैव यू एवर बीन डिपोर्टेड फ्रॉम रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड टू लीव टर्की, नो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप पहली बार जा रहे हैं, ठीक है। इन दिस इन द केस ऑफ ट्रांजिट, हैव यू एन एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। अगर आप ट्रांजिट ले रहे हैं दुबई में जा, यहाँ से इंडिया से दुबई जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आप दुबई से ट्रांजिट करना चाहते हैं, या फिर आप डायरेक्ट फ्लाइट भी ले सकते हैं इस्तानबुल की, ओके। पर्पज़ ऑफ ट्रिप, टूरिज्म, डेट ऑफ अराइवल आपने लिखनी है, किस दिन आप टर्की पहुँचेंगे, डेट ऑफ डिपार्चर, कब आप टर्की लैंड करेंगे, टर्की से सॉरी कब आप इंडिया वापस आएंगे, पोर्ट ऑफ फर्स्ट एंट्री टू ट्रांजिट रूट, आप कहाँ पे, किन स्पोर्ट पे आप जाने वाले हैं, कौन सा एयरपोर्ट पे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट का, सॉरी ये तो प्लेन ही हुआ फ्लाइट से, हु इज़ पेइंग योर ट्रिप, माई सेल्फ, स्टेट हु एंड हाउ, एंड सबमिट करस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट्स, आप पे कर रहे हैं तो आपके सपोर्टिंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं, ठीक है। नेम ऑफ होस्ट और कंपनी इन टर्की, कॉन्टैक्ट पर्सन इन होस्ट कंपनी, इफ नॉट एप्लीकेबल गिव नेम ऑफ होटल, तो आपने यहाँ पे होटल में रुकने वाले तो होटल का नाम देना है, अगर आप किसी फ्रेंड के पास जा रहे हैं तो फ्रेंड का एड्रेस, फ्रेंड का फ़ोन नंबर, फ्रेंड का ईमेल आपने यहाँ पे सबमिट करना है। मीन्स ऑफ सपोर्टिंग, सपोर्ट ड्यूरिंग योर स्टे, कैश, क्रेडिट कार्ड, आप अगर आपके पास कैश भी है, क्रेडिट कार्ड भी है तो क्लिक कर सकते हैं दोनों पे। स्पाउस, ठीक है, अगर आपके साथ आपकी वाइफ ट्रैवल कर रही है तो उनका फैमिली नेम, मीडियन नेम, फर्स्ट नेम, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। किड्स आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, किड्स का फैमिली नेम, फर्स्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। लास्ट में आप सर्टिफाई करते हैं इसको कि आई सर्टिफाई दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस सेट फोर्थ इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म, एंड द आंसर्स आई हैव फर्निश्ड ऑन दिस फॉर्म आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे सर्टिफाई कर दिया, प्लेस एंड डेट आपने यहाँ पे लिखा, एंड डेट लिखा यहाँ पे, सिग्नेचर किया, ठीक है, इन केस ऑफ माइनर, ठीक है, सिग्नेचर फॉर माइनर, सिग्नेचर ऑफ कस्टोडियन, गार्डियन, ठीक है। तो आपने यहाँ पे चीज़ें भरने के बाद ये तो आपका फॉर्म फिल कर लिया, आपने फॉर्म फिल कर लिया, और यहाँ पे आप अपना 2x5.2.5x2.5 इंच की फोटो आप यहाँ पे लगा देंगे, आपका फॉर्म हो गया रेडी, ओके। इसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आपके वीज़ा से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहां से देख सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेकर जाएं। हम अच्छी सी फाइल बना के VFS ऑफिस में जाएंगे, जो आपके क्लोजेस्ट VFS ऑफिस हैं, वहां पे जाने के बाद आपका फी रिसीट जो आपने VFS को पे किया हुआ है, ठीक है, तो VFS ग्लोबल आपको एक ईमेल सेंड करेगा जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपका इंटरव्यू किस दिन है। जब आपको इंटरव्यू डेट पता चल जाएगा, वो आपको नोटिफाई करेंगे, आपको कॉल करेंगे, देन आपने
वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाना है। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया कि किस तरीके से टर्की वीज़ा अप्लाई करना है, हाउ टू गेट टर्की टूरिस्ट वीज़ा। ठीक है, तो मैं सारे दोस्तों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।